मोदी है तो भरोसा है, रुकिए अभी। अरे मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो पेपर लीक है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो किसानों के साथ अन्याय है। चाहे नहीं जाने दिया जाए, हम ये बैरिकेड तोड़ के जाएंगे नीट के लिए। चार चार साल तक एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और जब उसके स्कैम होता है तो ये पूरे देश के छात्राओं के ऊपर तमाचा है इस सरकार का। हमें इस सरकार को, ये नीट का एनटीए को बैन करना पड़ेगा। जो मोदी सरकार, ये जो नीट परीक्षा है, जिस तरीके से युवाओं को छला जा रहा है, युवाओं को छलने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को मार के देखा है। ये मोदी सरकार किसी तरीके से भी कैसे काम नहीं आई, इसलिए हम लोग पूरी ताकत से, अपनी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर के साथ हम लोग यहाँ पे मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं। मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरे युवाओं के साथ चालों का कपट हुआ है और युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकार नीट परीक्षा को वापस ले और दोबारा परीक्षा न्यायिक तरीके से करे और जो भी इसके खिलाफ है उनको जेल में जाने का काम करे। कड़े से कड़े नियम लागू होना चाहिए। मैडम कोई कानून उन्हें नहीं बना रहे, सिर्फ जुमलेबाजी देते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये पेपर लीक की जो हुई घटना, इसको वापस रद्द किया जाए और भारत के वर्ष को स्वीकार किया जाए। जाने दिया जाए चाहे नहीं जाने दिया जाए, हम ये बैरिकेड तोड़ के जाएंगे नीट के लिए। चार चार साल तक एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और जब उसके स्कैम होता है तो ये पूरे देश के छात्राओं के ऊपर तमाचा है इस सरकार का। हमें इस सरकार को, ये नीट का एनटीए को बैन करना पड़ेगा और फिर से नीट के एग्जाम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सीबीआई ने जगह जगह पर छापे मारे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग पकड़े गए हैं, बिहार और महाराष्ट्र में कई जगह पर लोग पकड़े गए हैं। अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ तो ये कैसे पकड़े गए हैं ये लोग? ये सरकार पूरी मूली हुई है, ये सरकार पूरी बिकी हुई है, ये तानाशाही सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान को वापस जाना पड़ेगा। विपक्ष, स्पीकर की बात अलग है और एनटीए जिसके लिए कि हम नीट का विरोध कर रहे हैं ये बात अलग है। नीट में सैकड़ों हजारों लाखों छात्रों का बेचारे रातों दिन मेहनत करते हैं, उन छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने पूरी तरह से तानाशाही रवैया हटाया है। हमारी मांग है कि एनटीए को बैन करें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही तो दुर्भाग्य है देश का, यही तो दुर्भाग्य है कि जो लोग बताओ प्रधान, अरे रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक जितनी भी सरकारें बनी और जितने भी रेल मंत्री बने सबने कोई कांड हुआ तो इस्तीफा दिया। कह रहे हैं आप लोग गिराव यूजीसी का करना चाहिए था, आप लोग यहाँ खड़े हैं। यूजीसी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री और संसद के माध्यम से बात पहुँचाना चाहता है इस देश का नौजवान, देश के नौजवानों को सरकार। अरे अगर अगर इस बार, अगर इस बार युवा और छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो जैसे मेरे देश के अन्नदाता ने अपना अखोर अधिकार रोड पे बैठ के सड़क से संसद तक मार्च करके ले लिया, इसी प्रकार इस देश में नौजवान और छात्र अपना हक और अधिकार लेके छोड़ेंगे। अरे मोदी है तो भरोसा है, रुकिए अभी। अरे मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो पेपर लीक है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो किसानों के साथ अन्याय है। अरे मोदी जी ने देखिए ना कितना बड़ा किसानों ने फैसला ले लिया, 2 लाख लोन माफ कर दिए किसानों, कह रहे माफ कर दे।
कर देंगे, आज तक किया 10 साल हो गए हमारी सरकार। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे। अरे भरोसा कब तक रखेंगे, कब तक रखेंगे? परेशान हो गया इस देश का। 10 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए इनको मौका देते हैं, तो अब की बार मौका मौका देंगे हम। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी की बात समझ चुका है, ये झूठ फरेब की सरकार है। उद्योगपति बन गए, लेकिन ये कहते थे 400 पार 400 पार, क्या रहा दाना साहब, क्या रहा? हवा निकल गई 400 पार की। इस बार विपक्ष मजबूत है, इस बार विपक्ष मजबूत है, संसद से सड़क तक इनको खरा जवाब देने के लिए विपक्ष बिल्कुल मजबूत है, एकजुट है। इंडिया गठबंधन मांग है, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इन पे रोक लगे और इस्तीफा हो। ये कैसे होगा? ये सरकार कड़े कानून बनाए, कड़े कानून बना के छात्रों को न्याय दे। नहीं, आप भी जानती हो नीतीश कुमार जी का सिद्धांत क्या रहा, कितनी बार सरकार के साथ जोड़ को। अभी कोई पक्का नहीं है कि जो गठबंधन की सरकार है ये ज्यादा दिन चले।